आज के टाइम पर इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालना उतना ही सिंपल है जितना कि आपने कोई रोटी तोड़ी और खा ली। जस्ट किडिंग। हे गाइस, सचिन सक्सेना हेयर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सचिन सक्सेना यूट्यूब चैनल में। और आज का ये वीडियो होने वाला है इंस्टाग्राम स्टोरी पर। गाइस, अगर आप दिन भर इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहते हो और इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट करते रहते हो खटाक खटाक खटाक, बट आपको बहुत ज़्यादा एंगेजिंग लोगों के कमेंट्स और लोग ऑडियंस आपसे बहुत ज़्यादा जुड़ नहीं रही है, तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। बिकॉज आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इंस्टाग्राम के कुछ स्टोरी से रिलेटेड ट्रिक्स, टिप्स और कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आप अपने इंस्टाग्राम स्टोरी को और ज़्यादा डेकोरेट कर सकते हो, और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो, और ज़्यादा एंगेजिंग बना सकते हो। अगर आपके इंस्टाग्राम स्टोरी पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे तो आप कैसे व्यूज़ को इंक्रीज़ कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। तो आपको बस इस वीडियो में मिलने वाला है इंस्टाग्राम का स्टोरी हैक्स। तो अगर आप एक इंस्टाग्राम यूज़र हो और इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो आपको वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है, आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलने वाला है। नॉर्मली इंस्टाग्राम स्टोरी में क्या होता है कि आपने जस्ट कोई एक फ़ोटो क्लिक किया और पोस्ट मार दिया, बट ये कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हुआ कि आपने जस्ट एक फ़ोटो क्लिक किया और अपलोड कर दिया। आप इंस्टाग्राम स्टोरी को बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं आप स्टोरी में, तो आप उनका यूज़ करके कैसे आप इंस्टाग्राम स्टोरी को एक नंबर कर सकते हो। तो बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखना है। और अभी तक यार आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो ये क्या कर रहे हो यार, वीडियो को जल्दी से लाइक मार दो और वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखना ही है। साथ ही साथ अभी आप यार चैनल पर न्यू आए हो, फर्स्ट टाइम यूज़र हो और इंस्टाग्राम पर फर्स्ट टाइम आए हो, तो आपको इंस्टाग्राम के बारे में और भी कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। सो अगर आपको नहीं पता इंस्टाग्राम की सारी सेटिंग्स के बारे में, तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है इंस्टाग्राम ऑल सेटिंग, तो आपको आई बटन में मिल जाएगा, इधर इधर जिधर भी आ रहा होगा तो इंस्टाग्राम पे आई बटन पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ मैंने इंस्टाग्राम पर पूरी एक प्लेलिस्ट बना के रखी है जो कि आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन दोनों जगह पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से सारी वीडियोज़ देख सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किया ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, अभी तक यार चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन शो हो रहा होगा तो आप उसे क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो भाई बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट। हे गाइस, वी आर ऑन द स्क्रीन और आज के इस वीडियो में आपको स्टोरी से बहुत सारे ट्रिक्स टिप्स देने वाला हूं और बहुत अमेजिंग चीज़ों के बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहली जो ट्रिक आती है वो आती है आपके इंस्टाग्राम पर स्वाइप अप फीचर वाली। तो सबसे पहले लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आपने इंस्टाग्राम पर अपना जो ऐप है वो अपडेट नहीं किया है तो आप जल्दी से अपडेट कर लीजिए, बिकॉज आप अपडेटेड नहीं करेंगे तो आपको सारी जो न्यू इन्फॉर्मेशन है या जो न्यू चीज़ें हैं, न्यू फीचर हैं, वो आपको पहले नहीं मिलेंगे। सो आप जाके अपने इंस्टाग्राम ऐप को प्ले स्टोर से अपडेट कर लीजिए और हो सके तो बीटा वर्जन भी ज्वाइन हो जाइए। ओके, तो चलते हैं इंस्टाग्राम पर और हम जानेंगे सबसे पहले स्वाइप अप फीचर, वो भी विदाउट 10K फॉलोवर्स। आपको पता होगा इंस्टाग्राम पे जब तक आपके 10K फॉलोवर्स नहीं हो जाते तब तक आपको स्वाइप अप वाला फीचर नहीं मिलता, बट अगर आप फिर भी स्वाइप अप वाला फीचर चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली इस ट्रिक को फॉलो करके आप स्वाइप अप वाला फीचर यूज़ कर सकते हो। सो आपको सिंपली क्या करना है, जस्ट कोई भी एक वीडियो रिकॉर्ड करना है 15 से 20 सेकंड का, और वहाँ पर आपको क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ। वो पोस्ट करना है आपको आईजीटीवी पर, तो आपको सिंपली चले जाना है अपने आईजीटीवी पर और यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली अपने चैनल पर अपने प्रोफाइल पर टैप कीजिए और यहाँ पर वीडियोज़ आते हैं तो आपको सिंपली प्लस करके अपना कोई भी एक वीडियो कि मैं ये वीडियो डालने वाला हूँ आप यहाँ पर क्लिक करें। आप सिंपली ऐसे बोल दीजिए, जैसे मैंने एक ये वीडियो सिंपली से बना दिया है ये वाला, और इसमें मैंने बताया कि मैं इंस्टाग्राम की स्टोरी पर एक वीडियो बना रहा हूँ, तो आप ऊपर सिंपली क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। जस्ट मैंने एक सिंपल सा वीडियो अपलोड कर दिया है और यहाँ पर इसका थंबनेल बना रहा है, तो आप डायरेक्टली वीडियो से थंबनेल ले सकते हैं या फिर डायरेक्टली आपने कोई इमेज वगैरह है आपके पास तो आप उसको ले सकते हैं। तो मैं सिंपली इस इमेज को ले रहा हूँ और सिंपली नेक्स्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर टाइटल डिस्क्रिप्शन आ रहा है, तो टाइटल में आपको क्या करना है, आपको इस जगह पर यूज़र पर क्लिक कराना है, तो आपको वीडियो का टाइटल दे देना है कि जैसे कि यहाँ पर क्लिक करिए, यहाँ पर कुछ ऐसा दे देना है कि यूज़र इस जगह क्लिक करे, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक देना है जहाँ पर यूज़र पहुँचाना है आपको क्लिक करा के, मतलब स्वाइप अप करके वो जाएगा कहाँ, तो उसको यहाँ पे लिंक देना है। तो मैं जैसे अपने YouTube चैनल का यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ। ओके, तो मैंने अपने YouTube चैनल का लिंक दे दिया और क्लिक हेयर भी हो गया, और आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो को पोस्ट कर देना है। सो ये वाला वीडियो सिंपली मैंने यहाँ पे बना लिया है और यहाँ पर इस वीडियो में मैंने लिंक लिया है ऊपर के लिए, तो आपको देखिए वीडियो भी अपलोड हो गया है। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करूँगा जैसे ही, तो देखिए नीचे आपको यहाँ पर लिंक शो हो जाएगा, तो जैसे ही यूज़र इस लिंक पर क्लिक करेगा वैसे ही वो रिडायरेक्ट हो जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर लिंक जनरेट कर लेना है। तो ये तो ही बात कि आप अपने वीडियो में लिंक दे सकते हैं, बट आपको ये चीज़ अपलोड करनी है अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर। सो ये तो अभी जस्ट आईजीटीवी पर पड़ा है, तो आपको इसे आईजीटीवी से उठा
के करना पड़ेगा अपलोड अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर। तो उसके लिए आपको चले जाना होगा सिंपली इंस्टाग्राम स्टोरी पर, और वहाँ पर आपको क्या करना है, कोई भी एक फ़ोटो या कुछ भी ऐसा सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ पर एक फुल साइज इमेज जिसमें आपको लिंक का बटन वहाँ पर शो हो जाए। लाइक मैं जैसे इस इमेज को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखो नहीं आया, तो आप कोई भी एक फुल साइज सा इमेज लीजिएगा जिसमें आपको सो जाए। तो जस्ट मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस इमेज को लेकर देखता हूँ। ओके, तो इस इमेज में देखो आपको यहाँ पर लिंक का बटन आ रहा है, तो चलिए मैं क्या करता हूँ इस लिंक के बटन पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है ऐड कॉल टू एक्शन। तो आपको सिंपली IGTV पर क्लिक करना है और यहाँ से अपना कोई भी एक वीडियो सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे मैंने अभी ये वाला वीडियो बनाया था, इस वीडियो में मैंने लिंक दिया और ये डबल बार अपलोड हो गया, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पर कॉल टू एक्शन लग गया है, मतलब इस वीडियो पर लिंक लग गया, और यहाँ पर अब दे सकते हैं स्वाइप अप या क्लिक हेयर, तो आप यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं जैसे यहाँ पर दे देता हूँ स्वाइप अप, जैसे मैंने ये दे दिया स्वाइप अप। ओके, लाइक दैट मैंने कुछ इस तरह से दे दिया, और मैं यहाँ पे इस वीडियो कर देता हूँ सेंड, और यहाँ पर इस वीडियो कर देता हूँ पोस्ट। ओके, सो मेरा वीडियो जो है वो पोस्ट हो रहा है, और जल्दी से वीडियो पोस्ट हो जाता है। फिर मिलते हैं। सो नाउ कोई भी पर्सन मेरे चैनल पर स्टोरी को विजिट करेगा, तो यहाँ पर देखिए नीचे आपको लिंक का ऑप्शन आएगा और आपको वॉच वीडियो का ऑप्शन मिलेगा। तो आप जैसे ही पर्सन को लिंक पर क्लिक करेगा ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएगा इस वाले IGTV वाले वीडियो पर। और मैंने जैसे कि इस वीडियो में बताया कि ऊपर क्लिक करो, तो वो जैसे ही पर्सन यहाँ क्लिक करेगा एंड यहाँ पर क्लिक करेगा और वो पहुंच जाएगा डायरेक्ट मेरे चैनल पर, या फिर आपका वेबसाइट हो सकता है, आपका ब्लॉग हो सकता है, या फिर आपका यूट्यूब चैनल, या फिर कुछ भी हो सकता है आपका ब्रांड। तो आप अगर इस तरह से स्वाइप अप वाला लिंक पाना चाहते हैं विदाउट 10K फॉलोवर्स, आपको कोई ऑटो फॉलोवर या ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली IGTV से वीडियो लिंक करके डायरेक्टली स्वाइप अप वाला फीचर यूज़ करना है। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। अगर ये ट्रिक पसंद आई तो यार इस वीडियो को लाइक तो बनता है, और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप @YTSaxsena करके फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पर मैं लेटेस्ट अपडेट देता रहता हूँ। सो 750 फॉलोवर्स हो चुके हैं, जल्दी से 1000 करने हैं, सो फॉलो करो यार। तो नेक्स्ट स्टोरी सेटिंग आ रही है टैक्स के बेस पे, तो आपको क्या करना है, कोई भी सिंपल सा स्टोरी क्रिएट करना है, और जस्ट आपको कोई भी एक फ़ोटो क्लिक कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ कोई भी एक फ़ोटो, और ये फ़ोटो आपको जस्ट लगाना नहीं है, आपको क्या करना है सिंपली इस फ़ोटो को ऐसे सेट करना है, और इसके बाद क्या करना है आपको सिंपली इस मार्कर वाले आइकन पर टैप करना है ताकि आप यहाँ से कोई भी कलर को सिलेक्ट कर पाओ। आपको यहाँ पर बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं। अगर आपको ये फ़ोटो नहीं चाहिए, आपको यहाँ पे पूरा फुली बैकग्राउंड चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपको कोई भी एक कलर सेलेक्ट करके अपने स्टोरी पर लॉन्ग प्रेस करना है। और एक चीज़, अगर आपको यहाँ पे कलर्स में ही सिलेक्ट करने में कोई दिक्कत, आपको ये कलर्स अच्छे नहीं लग रहे, तो आप सिंपली क्या करिए, इस कलर पर टैप करिए, लॉन्ग प्रेस करिए, तो आपको यही कलर्स बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। और आपको जो भी स्टोरी में अपना कलर्स देना है, तो आपको सिंपली कोई भी एक कलर सेलेक्ट करना है और लॉन्ग प्रेस करके अपने यहाँ पर स्टोरी पे छोड़ देना है, तो क्या होगा वो कलर पूरे बैकग्राउंड में फिल हो जाएगा। और जस्ट अब मैं इस कलर को टैप करता हूँ और ऐसे करता हूँ, तो ये कलर पूरे के पूरे बैकग्राउंड में फिल हो जाएगा कुछ इस तरह से। अगर आपको ऐसे कलर नहीं लेना है, अगर आपको अपने फ़ोटो में से या आपने जहाँ पर जो फ़ोटो क्लिक किया था उससे आपको कोई कलर चाहिए, तो आप यहाँ पर देखो आपको ये आई ड्रॉपर मिलता है, तो आपको सिंपली आई ड्रॉपर पर चले जाना और ये भी कलर ले लेगा। जैसे मैं यहाँ से इस ग्रीनरी वाले कलर को सेट कर ले रहा हूँ और यहाँ पर लॉन्ग प्रेस इट। सो देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप यहाँ पे कलर फिल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया सिंपली कलर फिल करने वाला, और मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पूरे में बैकग्राउंड फिल हो चुका है, और अच्छी बात ये है कि अब यहाँ पर मैं आपको कुछ टेक्स्ट से रिलेटेड चीज़ें बताता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कोई भी एक टेक्स ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ ए बटन पर, और मैं यहाँ पर कुछ भी टेक्स लिख लेता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सब्सक्राइब। ओके, तो सब्सक्राइब लिख चुका है। अब उसके बाद अगर आप जस्ट चाहते हैं कि आपको ये सब्सक्राइब ना अलग अलग कलर्स में चाहिए, तो आप पहले से सारा सेलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद आप क्या करिए, सिंपली जितने कलर्स में आपको सिंपली सेम कलर्स देने हैं उस पर कोई कलर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको ऐसे दूसरे कलर पे जाना है, और कोई कलर अगर आप चाहो तो सिंगल बाई सिंगल भी कर सकते हो, कि आपको ई पे एक देना है, बी पे एक अलग कलर देना है, एल पे अलग कलर देना है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। और ये देखने में थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, जैसे कि आप यहाँ पे फ्लैग बना सकते हो, जैसे 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, तो काफ़ी अट्रैक्टिव सा यहाँ पर बना सकते हो। बट अगर आपको ऐसा पसंद नहीं आ रहा, आपको सारा ग्रेडियंट टाइप चाहिए, तो आप सारा सेलेक्ट करिए ऐसे, और यहाँ पर कोई भी आप कलर्स पहले सेलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे यहाँ पर कलर्स है और मुझे और ज़्यादा कलर्स चाहिए, तो पहले तो मैं इसको ऐसे थोड़ा सा मूव करूंगा, तो यहाँ पे पूरा ग्रेडियंट आ जाएगा। और अब आपको क्या करना है, सिंपली ऐसे प्रेस करना है, और साथ ही साथ ये जो टेक्स्ट है आपको इसको और साथ ही साथ अपने ये फ़ोटो दोनों, ये कलर्स दोनों को साथ साथ मूव कराना है कुछ इस तरीके से। तो जिससे क्या होगा, ये कलर्स और यहाँ पर ऊपर भी चेंज होते रहेंगे। सो कुछ इस तरह से आपको करना है और नेक्स्ट करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो ग्रेडियंट इफेक्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मतलब सारे के सारे एक बहुत अमेजिंग। और इसका एक और अच्छा सा फंडा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं सिंपली ऐसे सेलेक्ट करता हूँ दोबारा से, और मैं यहाँ पर दोबारा जाता हूँ, और आपको इस बार क्या
करना है, यहाँ पर ये वाले ऐसे ही सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर ये जो कलर्स है वो नीचे से ऊपर की तरफ करना है या ऊपर से नीचे, जैसे आपको पसंद है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और वहाँ से ये ऊपर को सिलेक्ट करता हूँ, लाइक दैट दैट्स इट। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना अमेजिंग लग रहा है, पूरा बहुत लाइट से आ रहा है और धीमे 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 जाके डार्क हो रहा है, तो जो कि और ज़्यादा अमेजिंग लगता है। बहुत इंटरेस्टिंग सा यहाँ पे टेक्स्ट आपका बना कर दे देता है इंस्टाग्राम स्टोरी है। तो आप कुछ इस तरह की स्टोरी पर अट्रैक्टिव यहाँ पर चीज़ें बना सकते हो टेक्स्ट के लिए, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं मार्कर वार्कर, सो आप यहाँ पर इनका भी यूज़ कर सकते हो लाइक दैट। और एक चीज़ और इंटरेस्टिंग आपको बताता हूँ, जस्ट मैं क्या करता हूँ कोई भी सिंपल सा एक फ़ोटो क्लिक करता हूँ अगेन, और मैं क्या करता हूँ इस फ़ोटो में कुछ सीक्रेसी रखना चाहता हूँ, या जैसे मैं कोई न्यू वीडियो डालने वाला हूँ, न्यू पोस्ट डालने वाला हूँ, बट करेंटली मैं नहीं चाहता कि ये फ़ोटो आप देखो, और आप इस फ़ोटो को देखने के लिए आपको थोड़ा सा वेट कराना है, या मुझे एक तरह से जस्ट स्केच बोर्ड टाइप का बनाना है, कुछ भी बोल सकते हो। तो मैं जस्ट इस मार्कर पर टैप करूँगा सिंपली, और आपको क्या करना है अगेन वही जो मैंने आपको पहले बताया था कि आपको कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेना है, लाइक जैसे मैंने ब्लैक कलर सेलेक्ट किया और लॉन्ग प्रेस करना है, तो इससे क्या होगा पूरे के पूरे फोटो में वो कलर हो जाएगा। ओके, अब आपको चले जाना है सिंपली इरेजर पर, और इरेजर से हल्का हल्का आपको ऐसे इरेज कर देना है लाइक दैट, जिससे कि फ़ोटो पूरा नहीं दिखेगा, या आपको जितना हिस्सा दिखाना है वो हिस्सा आप दिखा सकते हो ऐसे करके लाइक दैट, कुछ इस तरीके से, और आप इसे अपडेट करते हो स्टोरी में, जो कि काफ़ी सही लगता है। आप अपने हिसाब से थोड़ा और क्रिएटिविटी दिखा के बना सकते हो जिस तरह से आपको बनाना है। तो जब भी आपको यार फोटो वोटो सेलेक्ट कर सकते हो, तो आपको अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे फिल्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं, तो अगर आप इस तरह से राइट और लेफ्ट स्वाइप करते हो तो आपको बहुत सारे कूल कूल फिल्टर्स मिलते हैं, तो उनको आप यूज़ करके अपनी फ़ोटो को और ज़्यादा कूल बना सकते हो। डालते हो तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, नॉर्मल, बूम रैंग, सुपर जूम, रिवाइंड, हैंड फ्री, और इन सबको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपने ओल्ड वीडियो में, हल्का फुल्का सा बता देता हूँ। तो टाइप में क्या होता है, आप सिंपली यहाँ पर टेक्स्ट टाइप कर सकते हो, आपको जस्ट कुछ टेक्स्ट लिखना है और इसको आपको स्टोरी में दे देना है, तो आप सिंपली यहाँ पर फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो और यहाँ पर सिंपली ऐसे करके पोस्ट कर सकते हो एज अ स्टोरी, तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फीचर है वो है यहाँ पर नॉर्मल, तो आप नॉर्मल का यूज़ करके स्टोरी पोस्ट करते होगे। बहुत सारे लोग अगर लाइव जाना चाहते हैं तो आप सिंपली लाइव जा सकते हो गो लाइव पर क्लिक करके। बूम रैंग में आप अपना छोटा सा 5-10 सेकेंड का वीडियो ऐसे मूविंग सा क्लिप बना सकते हो। सुपर जूम में आपका जो वीडियो है वो थोड़ा जूम हो जाएगा और यहाँ पर इफेक्ट मिल जाते हैं जो कि बहुत अमेजिंग है, अभी मैं आपको बताऊँगा। रिवाइंड में आपका वीडियो पीछे चलने लगता है रिवर्स, और हैंड फ्री में आपको सिंपली एक टैप करके आप अपने फ़ोन को रख देते हैं कहीं और फिर आप बोल सकते हैं, आपको लगातार ऐसे प्रेस नहीं करना पड़ता जो आपको नॉर्मल में करना पड़ता है। तो चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्मल में जैसे मैं आता हूँ तो आपको यहाँ पे एक स्टिकर का फीचर मिल जाता है। नॉर्मल जब आप ऐसे कोई वीडियो बनाते हैं या कुछ बोलते हैं तो बहुत सिंपल सा लगता है, बट अगर आप इसे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर आइए और यहाँ पर आकर कोई भी इफेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं चलो मेरा जो फेवरेट मुझे लगता है फिलहाल मुझे ये वाला काफ़ी सही लग रहा है VCR वाला, तो आप इसमें देखेंगे हल्का सा ग्लिच का इफेक्ट आता है जो कि अच्छा लगता है और बढ़िया लगता है। तो अगर आप कोई और ज़्यादा इफेक्ट पसंद आते हैं तो यहाँ पे जैसे कि मिकी माउस वाला, और भी आपको डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग सिंपली देख सकते हो। सो ये कितना बाहियात लग रहा है, सो आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट मिल जाते हैं, तो आप इनका यूज़ कर सकते हो। और उसी तरह से आप बूमरैंग पे भी जा सकते हो, बूमरैंग में आप रिकॉर्ड कर सकते हो और यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। और इसके अलावा आपको जो सुपर जूम है इसमें कुछ और अमेजिंग मिलते हैं, और इसमें साथ ही साथ वॉइस मिलता है, और यहाँ पे अलग अलग आते हैं बमर और ये, तो सब में अलग अलग साउंड है, आप इन सबको ट्राई करिएगा जो कि बहुत अच्छा देता है, और किसी में कलर आता है, किसी में इफेक्ट आता है, तो किस में कुछ ना कुछ आता है और बढ़िया लगता है ये देखने में। तो यहाँ पर ये लिट वाला, बाउंस वाला, फायर वाला, सो सब में अलग अलग है और बहुत कूल देता है फीचर। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्टोरी ट्रिक की, तो आपको सिंपली जाना है स्टोरी टैब पर, और अब यहाँ पे आपको कोई भी एक फ़ोटो को सेलेक्ट करना है, कुछ भी फ़ोटो क्लिक करना है, तो अगर आप अपने बीच में ऐसे टैप करोगे तो फोकस आप पे आ जाएगा। सो जस्ट आप ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा ब्राइटनेस भी बढ़ जाएगा, और जस्ट मैं कोई एक फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ, सपोज़ दैट जैसे मैंने इस फोटो क्लिक किया, और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको इमोजी जैसा आइकन मिलेगा, तो आपको सिंपली इस पे चले जाना है, और अब आप अपने फ़ोटो पे भी इस तरह से इमोजीज दे सकते हो जो कि अच्छा लगता है। तो जस्ट मैं इमोजी या फिर इफेक्ट बोल सकते हैं, एनिमेशन जैसा, तो आप अपने फ़ोटो पर भी लगा सकते हो। आपने कोई भी एक फ़ोटो लगा लिया है तो आप उस पर भी यहाँ पर सिंपली इमोजी जो है वो दे सकते हो। सो बड़ा भयानक लग रहा है, सो कुछ आप यहाँ पर दे सकते हो,
तो ये लो भैया फेस मेल्ट हो गया पूरा। सो इस तरह से, एंड ऊपर यहाँ पे मैं कुछ और चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो अगर आप यहाँ पर आते हो अपने स्टिकर वाले ऑप्शन पे, तो आपको यहाँ पर कुछ स्टिकर्स पहले से मिल जाते थे। और अगर आप चाहते हो कि आपका जो स्टोरी है वो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बताऊँगा, अगर आप चाहते हो कि आपका जो इंस्टाग्राम स्टोरी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसका रीच पहुँचे, तो आप क्या करिए, आप हैशटैग का यूज़ करिए। जी हाँ, आप अपने स्टोरी में हैशटैग ज़रूर लगाइए। उससे क्या होगा, स्टोरी लोग हैशटैग को भी फॉलो करते हैं, और हैशटैग जो भी लोग फॉलो करते हैं उनके पास वो स्टोरी पहुँच जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया था, एक एक क्विज़ डाला था, क्विज़ का भी मैं अभी आपको बताऊँगा। मैंने अपने स्टोरी में एक क्विज़ डाला था, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जस्ट ये वाला क्विज़ है। तो इसमें देखिए मैंने हैशटैग दिया हुआ है हैशटैग क्विज़, और देखिए यहाँ पे सी हैशटैग करता हूँ, तो ये हैशटैग क्विज़ जो है इस पे 1.1 मिलियन पोस्ट पड़े हैं ऑलरेडी। तो कुछ लोगों के पास जो है ये हैशटैग जाएगा, उनके स्टोरी में शो होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे अभी ये मैंने 4 घंटे पहले डाला है, तो यहाँ पर ये देखिए अभी इस क्विज स्टोरी पे ओनली 1 व्यूअर हुआ है। तो यहाँ पर जो नीचे आ रहे हैं वो सारे मेरे फॉलोवर्स हैं, ये जो भी फॉलोवर्स हैं। बट इसके साथ साथ आपको जो यहाँ पे एक मिल रहा है क्विज स्टोरी, और यहाँ पर इसमें 1 व्यूअर। कभी कभी हो जाता है कि 50, 100, 200, 300, आपको जितने स्टोरी पर व्यूज़ नहीं मिलते उससे डबल ट्रिपल तक आपको व्यूज़ देखने को मिल जाते हैं। और ये सब डिपेंड करता है आपके हैशटैग पर कि कितना ज़्यादा पॉपुलर हैशटैग है। तो ये आप हैशटैग का ज़रूर से यूज़ करिए। आप जब भी कोई पोस्ट या कुछ भी आप जब शेयर करें, तो आप सिंपली उसमें हैशटैग ज़रूर दे दें। तो बस हैशटैग काफ़ी ज़्यादा काम का है, और हैशटैग देने से आपका कोई भी, आप सिंपली बस यहाँ पे हैश दे लें। और जैसे कि मैं यहाँ पे अपना, मैंने खुद का एक हैशटैग बनाया हुआ है, जैसे YT सक्सेना, तो इस तरह से, तो आप कोई भी हैशटैग सिंपली दे सकते हैं और इसे ऐसे साइड में कहीं भी रख सकते हैं। तो हैशटैग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपनी रीच को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आजकल अभी वोटिंग चल रही है, और लोग बहुत ज़्यादा आजकल एक यूज़ करते हैं क्वेश्चन, तो चलिए बात करते हैं कुछ और यहाँ पर चीज़ें मिल जाती हैं। लाइक यहाँ पर देखिए एक नया ऑप्शन देखने को मिलता है, ये वाला, तो अभी इंडिया में वोटिंग चल रही है तो इस वजह से आ रहा है। तो अगर आपको अपना देखना है कि भैया आपका वोट क्या है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। मैंने ये अपने लास्ट स्टोरी में बताया था, तो लोग इस पर क्लिक कर सकते हैं, और इससे डायरेक्टली जो हमारी वेबसाइट है वोटर आईडी कार्ड वाली, तो आप अपना लोकेशन देख सकते हो कि आपके आसपास कहाँ पे मतदान केंद्र और ये सारे इलेक्शन का बूथ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। एंड इसके अलावा यहाँ पर एक नया ऑप्शन क्विज़ देखने को मिला है, और ये न्यू ऑप्शन आया है, तो आप यहाँ से क्विज़ भी पूछ सकते हो। जैसे कि मैंने अभी लास्ट अपना जो स्टोरी था उसमें मैंने क्विज़ ही पूछा था, तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कौन सा लगाया था। सो जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला, तो इसमें अभी 11 व्यू आ चुके हैं। तो ये देखिए, डू यू लाइक टू वॉच माई न्यू वीडियो ऑन इंस्टाग्राम स्टोरी हैक, ये वाला वीडियो ही था जो मैं इस समय रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इस वीडियो मैंने ये क्विज़ पूछा था, और यहाँ पर मुझे आंसर मिले हैं 4 यस। तो आप यस बटन पर टैप करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, एक तो मेरा ही है उसमें। सो इस तरह से आप यहाँ पर क्विज़ भी पूछ सकते हो। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली क्या करना है, कुछ कोई भी एक बूमरैंग बना लेना है, या कोई एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेना है। जस्ट मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप कुछ भी ऐसा सिंपली सा रिकॉर्ड कर लीजिए, और आप वीडियो के अंदर वीडियो को इंसर्ट कर सकते हो इस फीचर की हेल्प से। तो जस्ट मैंने एक यहाँ पर बूमरैंग रिकॉर्ड कर लिया छोटा सा, तो अब यहाँ पर ये बूमरैंग बन चुका है। और अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर कोई एक और ज़्यादा वीडियो के अंदर कोई एक फ़ोटो या कोई वीडियो इंसर्ट करना चाहता हूँ, फोटो इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो आपको सिंपली इस कैमरा आइकन पर टैप करना है, और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर टैप फॉर मोर करके आप अपना, ये देखिए यहाँ पे थोबड़ा आ जाएगा आपका कुछ इस तरह से, लाइक दिस। तो आपको जो भी सही लगे आपको उस पर कर लेना है, और उसके बाद आपको इसको जहाँ पर रखना है उस ऐसे लॉन्ग प्रेस करके रखिए, तो नीचे आपको एक पिन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर वीडियो में कहाँ पर सेट करना है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए ऐसे ऐसे करके। तो जैसे जैसे वीडियो मूव होगा वैसे वैसे ये स्टिकर भी जो आपने फोटो वाला सेलेक्ट किया है ये भी मूव हो जाएगा। सो मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट मैंने यहाँ पर इसको सेट कर लिया इस जगह पर, और मैं इसको वीडियो के इस जगह पर सेट करना चाहता हूँ ऐसे इस जगह पे, और मैंने इसको पिन कर दिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा पिन होगा, और ये जैसे जैसे वीडियो मूव होगी, तो जैसे जब आप कप उठाते हैं या फिर कोई मतलब कॉफ़ी वॉफ़ी पी रहे हैं, तो उसके साथ साथ आप कुछ लगा सकते हैं, कोई फ्लावर, तो जो बहुत अच्छा इफेक्ट देता है ये नॉर्मली। तो जैसे जैसे वीडियो मूव हो रही वैसे वैसे यहाँ पर देखिए ये आ रहा है, तो काफ़ी सही लगता है इस तरह से, और ये थोड़ा एक यूनिक देता है, यूनिकनेस देता है, जो कि काफ़ी मस्त है।
गाइज आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ना स्टोरी डालते हैं और वहाँ पे टैप टैप का ऑप्शन आता है कि उस पर क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली आप उस पर्सन की पोस्ट पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं। तो वो कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, अपने प्रोफाइल पर जाना होगा, आपने कोई भी एक सिंपली जो भी पोस्ट बनाया होगा आपको सिंपली उस पर चले जाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये एक पोस्ट डाला था काफ़ी टाइम पहले, तो आपको क्या करना है सिंपली इस पर जो एरोप्लेन जैसा या शेयर का ऑप्शन रहता है तो आप इस पर शेयर पर करना है। तो अगर आप इसका लिंक कॉपी करना चाहते हैं लिंक भी कॉपी कर सकते हैं या फिर वो अलग अगर कहीं शेयर वगैरह करना है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको स्टोरी में कैसे ऐड करना है। तो आपको सिंपली इसको एडिट टू स्टोरी करना है और उसके बाद आपको क्या करना है ये फोटो जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको इस तरह से इसको सेट कर लेना है अपना फुल स्क्रीन। अगर आप दो बार टैप करोगे तो ऐसा आ जाएगा और सिंगल टैप में कुछ इस तरह से। और आपको यहाँ पर ये साइड में नीचे ऊपर कहीं पर भी जहाँ रखना चाहे आप रख सकते हैं, या फिर इसे छोटा करना चाहे तो छोटा भी कर सकते हैं या फिर जैसे आप रखना चाहें। और उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ से कोई भी टैप टैप या कुछ भी आपको उठा लेना है। तो जस्ट मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ टैप हेयर, तो जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर ये टैप हेयर उठा लिया है और ये देखिए इस तरह से। तो और मैं यहाँ पे टैप हेयर आ गया है और जब भी कोई पर्सन यहाँ क्लिक करेगा मैं इसको जैसे सेंड कर देता हूँ लाइक दैट और स्टोरी पे अपडेट कर देता हूँ। सो कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा और कोई भी पर्सन जैसे यहाँ टैप करेगा तो मेरा सी पोस्ट का ऑप्शन आ जाएगा और जैसे ही वो पर्सन सी पोस्ट पर टैप करेगा वो डायरेक्टली पहुँच जाएगा इस पोस्ट पर और यहाँ से फ़ोटो को लाइक कर सकता है एंड मैनी मोर थिंग वो यहाँ पर कर सकता है। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं किसी भी पर्सन को डायरेक्टली स्टोरी से अपने पोस्ट पर रीडायरेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली स्टोरी जो है वो सभी को आप दिखाते हैं नॉर्मली, बट अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ लिमिटेड पीपल को अपना स्टोरी शो कराना है या फिर बहुत ही रेयर फ्रेंड्स को, जो भी कोई एक फ्रेंड्स है आपको सिर्फ उनके पास ही स्टोरी शो करना है सबके पास नहीं करना है, तो आपको एक ऑप्शन मिल जाता है न्यू यहाँ पे क्लोज़ फ्रेंड का, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको सिंपली क्लोज़ फ्रेंड पर टैप करना है, सिंपली ऐड टू लिस्ट पर चले जाना है और यहाँ से आपको लिस्ट मिल जाती है सजेशंस में से आपके जो भी फ्रेंड्स हैं वो मिल जाएंगे या फिर आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो। तो जस्ट मैं यहाँ पे कोई भी एक फ्रेंड को सिलेक्ट कर लेता हूँ और जस्ट मैंने इनको एज ए क्लोज़ फ्रेंड लिस्ट में सेलेक्ट कर लिया है और अब मैं चाहता हूँ कि जस्ट यही पर्सन केवल मेरी इस स्टोरी को देख पाए, इसके अलावा किसी को भी वो स्टोरी शो ना हो, तो आपको सिंपली डन करना है और यहाँ पर ये स्टोरी सेव हो जाएगी और सिंपली सेंड करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं और सिंपली मैंने शेयर किया केवल मैंने यहाँ पे क्लोज़ फ्रेंड रखा हुआ है और मैंने इसको डन कर दिया है। तो आप देख सकते हैं केवल यहाँ पर आ गई ये स्टोरी और यहाँ पे ग्रीन कलर से मूव किया क्योंकि बिकॉज ये क्लोज़ फ्रेंड से था। सो जस्ट यहाँ पर करूँगा तो और ये स्टोरी केवल वही पर्सन देख सकता है, इसके अलावा कोई और पर्सन उस स्टोरी को या इस वाली स्टोरी को शो नहीं कर पाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोज़ फ्रेंड ओनली। तो आई फॉरगेट टू टेल अबाउट दिस ट्रिक, मैं भूल गया था। बेसिकली ये बहुत अमेजिंग ट्रिक है और काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, पहले तो मैं एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ जस्ट यहाँ पर जाकर कोई भी एक सिंपली कलर ले लेता हूँ, लाइक मैं यहाँ पर येलो कलर ले रहा हूँ इस वाले को और मैं लॉन्ग प्रेस करके, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने ये सिंपली कलर ले लिया और मैं यहाँ पे अब कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ सचिन। चलो मैंने अपने यहाँ पे नेम लिख दिया और सिंपली यहाँ पे कोई भी एक कलर ले लेता हूँ या कोई भी एक फॉन्ट ले लेता हूँ लाइक दिस, ये फॉन्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और अब मैं क्या करता हूँ नेक्स्ट करता हूँ, तो ये फ़ोटो मेरे पास आ चुकी है। अब यही चीज़ मैं सेम आपको दोबारा से यही करना है, सेम जो आपने जस्ट लिखा है यहाँ पर, और आपको सेम कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, टेक्स्ट के साथ जैसा है वैसा रहने देना है और यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है। बस आपको अब सिंपली अगेन इस पर क्लिक करना है और कोई भी कलर को चेंज कर लेना है, लाइक मैं यहाँ पे इस ब्लू कलर को ले रहा हूँ और नेक्स्ट कर रहा हूँ। तो अब आपको यहाँ पर देखिए दो नेम आ गए, तो आप यहाँ पर पीछे ड्रॉप शैडो वाला इफेक्ट दे सकते हो, तो आपको बस इस नेम को उस फोटो के जस्ट वो जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसके जस्ट आपको पीछे रखना है तो हल्का सा वो दिखता रहे, लाइक एक 3D सा इफेक्ट देखने को मिलेगा जो कि बहुत कूल लगता है। तो लाइक देख सकते हैं कि कितना कमाल यहाँ पर देखने को लग रहा है। सो इस तरह से आप यहाँ पे ड्रॉप शैडो दे सकते हो या पीछे थोड़ा सा हिडन दे सकते हो, सो थोड़ा सा 3D टाइप का दे सकते हो जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। तो यही सारी ट्रिक्स थी जो आज के इस वीडियो मैंने इंस्टाग्राम के स्टोरी सेटिंग्स के बारे में आपको बताया। आई होप कि आपको ये सारी ट्रिक्स जो थी काफ़ी कमाल और काफ़ी अमेजिंग लगी होंगी। और अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक तो करना बनता है, और वीडियो आपको पसंद आई और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ यार इस वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, या फिर कहीं पर भी जहाँ पर आप सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हो। थोड़ा बहुत यार शेयर कर दो और सब्सक्राइब करो चैनल को,
और साथ ही साथ अगर आप यार इंस्टाग्राम पर हो और मुझे फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कर सकते हो @YT Saxena। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप नीचे कमेंट करके बताओ कि इनमें से कौन सी जो सेटिंग्स थी, कौन सी जो ट्रिक थी वो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई। और इंस्टाग्राम पर और भी सेटिंग्स अभी मेरे पास हैं लिस्ट में आई इन माइंड, सो अगर आप चाहते हो कि इंस्टाग्राम पर और इसी टाइप की और वीडियोज़ आपको चाहिए, स्टोरी की नहीं बट इंस्टाग्राम सेटिंग्स की, इंस्टाग्राम की कुछ ट्रिक्स की आपको वीडियो और चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आपके दिमाग में भी कोई है स्टोरी से रिलेटेड और सेटिंग जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताई तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हो। तो चलो भाई वीडियो का एंड करते हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। सब्सक्राइब कर लेना चैनल अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।